भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस, अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने जाइए तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़वाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाया बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में दो बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में दो बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम, जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा और इसका कंपैरिजन करने के लिए सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।